हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं बना रही हूं गणेश चतुर्थी स्पेशल गणपति बप्पा के फेवरेट बहुत टेस्टी और झटपट बनने वाले कोकोनट रोज़ मोदक, जो कि इंस्टेंट बन जाएंगे और बहुत ही अलग तरीके से आज मैं बना रही हूं, अलग फ्लेवर के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट रोज़ मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप कोकोनट पाउडर। ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है। इसी के साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें 1/2 कप दूध और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। और मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी चीनी है। तो अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें 1/2 कप चीनी भी डाल सकते हैं। तो बस इसे हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून बीट रूट जूस डाला है, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप बीट रूट जूस थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून देसी घी डाल दिया है, और अगर आपके पास रेड फूड कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और अब हम इसमें डालेंगे रोज एसेंस। मेरे पास ये रोज एसेंस पड़ा हुआ था, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून रोज एसेंस यूज किया है, आप इसकी जगह 1/2 टीस्पून रोज वाटर भी डाल सकते हैं। तो बस सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस को हम बंद कर देंगे और इस बैटर को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए ये ठंडा हो गया था। हाथों पर हमने थोड़ा सा घी लगा लेना है और इसके बाद इसके हम मोदक बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा पेड़ा बनाकर इसको मोदक की शेप में बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास मोल्ड नहीं है। अगर आपके पास मोदक बनाने वाले मोल्ड हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैं हाथों से ही इसको मोदक की शेप दे दूंगी। तो देखिए इस तरह से हमने सभी मोदक बना लेने हैं। ये बहुत ही इजी हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जरूर बनाकर देखिएगा। और अगर आपको मेरी और भी रेसिपीज देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए मैंने सभी मोदक बना लिए हैं। और अब इसके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ते डाल रही हूँ। पिस्तों को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, इससे ये देखने में सुंदर लगते हैं और खाने में तो टेस्टी होते ही हैं। और अगर आप बिल्कुल मोल्ड वाले मोदक बनाना चाहते हैं तो एक ट्रिक भी है। तो मैंने इस तरह से एक फोक लिया है, तो फोक से हम इस पे एक डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरह से हल्का सा हमने प्रेस करना है फोक को। अगर आपके पास टूथपिक है तो आप उससे भी इसके डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये देखने में फिर सुंदर लगते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो वैसे भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये जस्ट देखने में सुंदर लगेंगे, इसलिए मैंने इनके ऊपर हल्का सा एक डिज़ाइन बना दिया है। तो ये लीजिए, बनकर रेडी हैं हमारे यूनिक स्टाइल के इंस्टेंट और झटपट बनने वाले बहुत ही टेस्टी कोकोनट रोज़ मोदक, जो कि हमने बिना सांचे के बनाए हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।